स्वागत है मेरे इस नए वीडियो के सीरीज़ में आप सभी का। मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज से मैं एक नया सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें डेली एक नई वीडियो अपडेट की जाएगी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पे। हर दिन की क्वेश्चन जो हैं, हर दिन की अपडेट्स जो हैं, हर दिन के नए करंट अफेयर्स जो हैं, वो आपके लिए लेके मैं हाजिर होऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे साथ में ही एक मैं आपके लिए शेयर भी अर्ज करूंगा कि आँख जो कुछ देख सकती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देख सकती है लब पे आ सकता नहीं। मैं खुद हैरत में हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैं खुद हैरत में हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चंस का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो करंट अफेयर से फैज़याब हो सकें और अवेयर हो सकें कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद लेक्सिकॉन्स ऑफ 21st रियर ट्राइबल लैंग्वेजेस टू प्रिजर्व वैनिशिंग नेटिव लैंग्वेज इन स्टेट। कौन सी स्टेट ने जो नेटिव लैंग्वेजेस, जो ट्राइबल नेटिव लैंग्वेजेस थी, वैनिश हो रही थी, उनको प्रिजर्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। तो 21 रियर ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने का एक जो महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया है। तो इनमें कौन सी गवर्नमेंट है, राजस्थान, ओडिशा, असम या बिहार? तो आपके लिए 3 सेकेंड हैं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया है इन 21 रेयर ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने का, जो ख़त्म होती जा रही हैं स्टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग इज। जो पहली बार इंडिया और रशिया के बीच में इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है, उसका वेन्यू कहाँ है, कहाँ पर होना है? पहला ऑप्शन है हमारे पास सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास मॉस्को। तो इनमें से राइट आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में ये फर्स्ट एवर इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो हेल्ड हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। फार्मा कंपनी लोपिन लॉन्च्ड अ चैटबॉट फॉर पेशेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर ऑलमेंट्स एंड इट वाज नेम्ड एज। एक फार्मा कंपनी लोपिन ने एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च की है पेशेंट्स के लिए, ताकि पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए उसके ऑलमेंट के बारे में। तो इसका क्या नाम रखा है, जो चैटबॉट जो है पेशेंट के लिए लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है अनय। इसका नाम है अनय, जो फर्मा कंपनी लोपिन ने लॉन्च की है चैटबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, फॉर विच एयरलाइन
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैंसल उड़ान लाइसेंस फॉर पोर एंड इरेगुलर सर्विसेज। फॉर विच एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन है जिसके लिए इंडियन जो अथॉरिटी है, एयरलाइन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसने उड़ान जो है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जो है इसके तहत लाइसेंस जो है पोर और इरेगुलर सर्विसेज के लिए कैंसिल कर दिए हैं। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी जो, तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन क्या दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन जो है एयर कोस्टा है, एयर ओडिशा है, एयर केरला और एयर सहारा। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है एयर ओडिशा। एयर ओडिशा ने जो है इसका लाइसेंस जो है पोस्ट और इरेगुलर सर्विसेज के लिए बंद कर दिया गया है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल सेलिब्रेटेड डे एंड 130th वर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इन काठमांडू नेपाल ऑन नवंबर 22, 2018 को नेपाल की जो इंडिया की एम्बेसी है नेपाल में वहाँ पर किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, 113th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया वहाँ पर, तो किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये सबसे पहले दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बच्चा खान, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है हमारे पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलरी सबमिट हल, जो दूसरा एडिशन है इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलरी सबमिट का वो कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। तो ये जो सबमिट है वो न्यू दिल्ली में हुई थी। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द आदि महोत्सव इन दिल्ली, कौन सी मिनिस्ट्री ने आदि महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इनमें से कौन सी हो सकती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में। हु लॉन्च्ड द बुक द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी अ सागा ऑफ ट्रम पेन एंड ड्रीम्स, किसने ये बुक लॉन्च की। पहला नाम दिया गया हमें बुक लॉन्च करने वालों में हरिंद्र सिंह, दूसरा नाम दिया गया अरुण जेटली, तीसरा नाम दिया गया हमें धनराज पिल्ले और चौथा नाम दिया गया हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो ये बुक जो है बोल इसका राइट आंसर है किसने लॉन्च की थी, राइट आंसर है इसका अरुण जेटली। अरुण जेटली ने ये बुक जो है वो लॉन्च की थी। द इंडियन क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू पिक अप अ हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट न्यूएस्ट फॉर्मेट T10 लीग, जो नई क्रिकेट की नई लीग बनी है T10, इसमें कौन सा क्रिकेटर है जिसने हैट्रिक जो है वो बनाई है, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है। पहला ऑप्शन दिया गया है आर अश्विन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रवीण तांबे, तीसरा ऑप्शन है
विराट कोहली, चौथा ऑप्शन है शिखर धवन। तो इनमें राइट ऑप्शन है प्रवीण तांबे, जिन्होंने ये जो 47 ईयर के क्रिकेटर हैं प्रवीण तांबे, जिन्होंने हैट्रिक जो है वो 10 T10 जो लीग है न्यूएस्ट फॉर्मेट जो है उसमें 5 विकेट्स जो है उन्होंने लिए अपने दो स्पेल में, 15 रन्स दिए। केरला नाइट्स के खिलाफ ये मैच जो है वो खेला गया, सिंधीज वर्सेस केरला जो नाइट्स इनके वर्सेस मुकाबला जो है हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर ऑटिज्म टाउनशिप विल कम अप इन विच स्टेट, इंडिया की पहली ऑटिज्म टाउनशिप जो है वो कहाँ पर होगी? पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा ओडिशा, तीसरा असम, चौथा ऑप्शन है हमारे पास पंजाब। तो इसमें राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिनेम्ड ICC वर्ल्ड T20 एस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो वर्ल्ड ICC T20 वर्ल्ड कप होता था उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, क्या नाम रखा है उसका ये जान लेते हैं। पहला ICC 2020 वर्ल्ड कप, ICC T20, ICC T20 वर्ल्ड कप या ICC 2020। तो इसका जो नया नाम है वो है ICC T20 वर्ल्ड कप। पहले इसका नाम ICC वर्ल्ड T20 होता था, अब इसका नाम जो है ICC T20 वर्ल्ड कप कर दिया गया है। द फर्स्ट इंडियन हु विन गोल्ड इन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2018 इज, कौन पहला इंडियन है जिसने सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप जो है वो जीती है? इनमें नाम दिए गए हैं हुसनप्रीत कौर, शिवानी बरोडे, सुंदरा सोमया, भवानी देवी। तो इनमें राइट आंसर है डी पार्ट, भवानी देवी ने जो सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड जो है वो जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमारा 13th क्वेश्चन नंबर है, इसमें नासा'स इनसाइट स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन मार्स आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स थ्रू द रेड प्लैनेट एटमॉस्फेयर, नासा ने जो इनसाइट स्पेसक्राफ्ट जो है उसने कब लैंड किया मार्स पे, कितने दिनों के कितने महीनों के बाद जो है उसने रोटेशन के बाद जो है उस एटमॉस्फेयर के बाद जो है वो उस प्लैनेट पे लैंड किया, 7 months, 6 months, 5 months और 4 months। तो इसने जो है 7 months लेटर जो है वो 7 महीनों में जो है लैंड किया मार्स पे। और इसकी टोटल जर्नी जो है वो 458 मिलियन किलोमीटर जर्नी हुई, टोटल जो इसने जर्नी की। और बहुत सारे फोटोज जो हैं वो भी इसने शूट किए हैं उस प्लैनेट के। हु इनॉग्रेटेड अ 5-day एग्जीबिशन ऑन और बोट और फ्यूचर इन हैदराबाद, किसने ऑर्गेनाइज की है 5 दिन की एग्जीबिशन आर बोट आर फ्यूचर के नाम से हैदराबाद में? पहला ऑप्शन है नारा लोकेश, दूसरा ऑप्शन है
ESL नरसिम्हन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर रजत कुमार, चौथा ऑप्शन है हमारे पास कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव। तो इनमें से राइट आंसर जो है वो है हमारा डॉक्टर रजत कुमार, जिन्होंने 5 दिन की एक एग्जीबिशन लगाई और बोट और फ्यूचर पे। यह एग्जीबिशन हैदराबाद में हुई थी। 15th क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड लग्जरी होटल ओपन्ड इन, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड लग्जरी होटल जो है वो कहाँ ओपन किया गया है। ऑप्शन पहला है चाइना, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरा ऑप्शन है रशिया, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इनमें राइट आंसर जो है वो है चाइना। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर अंडरग्राउंड लग्जरी हॉस्टल नेम्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड, क्या नाम है उस हॉस्टल का? द इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड। ये सोंगजियांग डिस्ट्रिक्ट जो साउथ वेस्ट ऑफ शंघाई में है चाइना में, वहाँ पर ये अंडरग्राउंड होटल जो है वो बनाया गया है। इट हाउसेज 18 स्टोरी विद 16 ऑफ देम बिलो द ग्राउंड। 18 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी 16 जो मंजिलें हैं वो ज़मीन के अंदर हैं और बाकी की 2 मंजिलें जो है ज़मीन के ऊपर की हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हौसला 2018 वाज इनॉग्रेटेड इन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हौसला। तो कहाँ लॉन्च किया ये? पहला ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेशनल फेस्टिवल फॉर वुमेन चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हौसला 2018 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाई सेक्रेटरी श्री राकेश श्रीवास्तव इन न्यू दिल्ली। ये इंटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पर इसकी इनॉग्रेशन जो है वो की गई। सो विच कंपनी वॉन द CII एग्जिम बैंक बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड? CII एग्जिम बैंक बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड कौन सी कंपनी ने जीता है? पहली हॉल, दूसरी VEL, तीसरी टाटा और चौथी महिंद्रा। तो इनमें से राइट आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दैट इज VEL। इसने CII एक्सिम बैंक बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड जो है वो जीता है। ये बेंगलुरु में स्थित है ये कंपनी जो है। Which country has decided to venture into Internet of Things with new satellite system marathon? कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया कि एक नए वेंचर्स इंटरनेट जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है न्यू सैटेलाइट सिस्टम से जो है वो चलाएगा जिसका नाम मैराथन है? कौन सी कंट्री में ये सिस्टम जो है वो चलेगा? सो ऑप्शंस दिए गए हमारे हमें साउथ कोरिया, चाइना, रशिया और जापान। सो इसमें राइट आंसर है हमारे पास सी पार्ट दैट इज रशिया। सो 19th क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? किसको अपॉइंट किया गया है नया चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का? जो क्योंकि हमारे जो अभी के चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तो नए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होंगे यह चीज़ जो है
सो पहला ऑप्शन दिया गया हमें अनिल दसमाना, दूसरा ऑप्शन है अशोक लवासा, तीसरा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा और चौथा ऑप्शन है हमारे पास दिलीप चिनोए। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ अ सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ही विल सक्सीड ऑन ओम प्रकाश रावत एंड ही विल टेक ओवर द टॉप जॉब ऑन दिसंबर 2nd। इट वॉज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, अरोड़ा वॉज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन इन अगस्त 2017। सो नाउ ही विल बी द चीफ इलेक्शन कमीशन आफ्टर 2nd of December 2018। सो लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत। कौन सी स्टेट है जिसने आयुष्मान भारत योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है ये, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने टॉप किया है इसको इम्प्लीमेंट करने में, सबसे आगे है, जिसने सबसे ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। पहला ऑप्शन दिया गया हमें असम, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है हमारे पास गुजरात। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एजेंसी, जो हमारी नेशनल हेल्थ एजेंसी है उसके मुताबिक 2 महीनों के बाद, लॉन्च होने के बाद, ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुरू की गई है, इसमें गुजरात जो है वो टॉप परफॉर्मर स्टेट बनी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। और नवंबर 23 तक इसमें 26% जो गुजरात अकाउंट्स है, जो आयुष्मान भारत के अंडर लोग आते हैं, 26% लोगों ने जो है इसका फ़ायदा जो है उठाया है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमें। तो ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये जनरल नॉलेज की टॉपिक जो हम आपके लिए डेली आज से नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो कैसी लगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। धन्यवाद।